किन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए छात्रों के लिए SOS के माध्यम से साइंस एजुकेशन लेने में विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष से शुरू किए गए साइंस संख्याएं में लगातार छात्रों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। अप्रैल महीने में शुरू हो रही बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में जहां पिछले वर्ष SOS के तहत साइंस स्ट्रीम में 872 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, वहीं इस वर्ष ये संख्या 1637 तक पहुंच गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक आगामी सालों में ये संख्या और बढ़ने के आसार हैं। SOS के माध्यम से पहले विद्यार्थी आर्ट्स व कॉमर्स स्ट्रीम में ही पंजीकृत होते थे। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष से साइंस स्टूडेंट को भी अवसर देने का प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष से साइंस स्ट्रीम में भी विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जा रहा है। अब 11वीं व 12वीं में स्ट्रीम की व्यवस्था है तथा बोर्ड द्वारा 12वीं में SOS के विद्यार्थियों का पेपर लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि SOS में साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों का पंजीकरण बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष साइंस स्ट्रीम में 872 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, इस वर्ष ये संख्या 1637 तक पहुंच गई है। पहले SOS के माध्यम से विद्यार्थी आर्ट्स व कॉमर्स स्ट्रीम से पंजीकृत होते थे, पिछले वर्ष से साइंस स्ट्रीम में विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जा रहा है। SOS को हमने संतन करने का प्रयास किया है और SOS के माध्यम से बच्चों को सारे अवसर मिले पढ़ने के, वो भी सारे प्रयास बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। पहले जो SOS के विद्यार्थी पंजीकृत होते थे वो आर्ट स्ट्रीम से होते थे या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से होते थे। अभी तक स्ट्रीमिंग की व्यवस्था अगर आप देखें तो प्लस टू तक, यानी प्लस वन और प्लस टू में है। हम जो पेपर लेते हैं वो प्लस टू का लेते हैं SOS के विद्यार्थियों का। तो साइंस स्टूडेंट्स को भी हमने अपॉर्चुनिटी अवसर देने का प्रयास पिछले वर्ष किया था। तो पिछले वर्ष हमारे पास 872 थे साइंस स्टूडेंट्स और इस साल हमारे पास ये दुगनी संख्या हो गई है, यानी 1637 विद्यार्थी हमारे पास साइंस में रजिस्टर किए हैं। इससे प्रतीत होता है, मुझे हर्ष होता है कि ऐसे विद्यार्थी जो साइंस में पढ़ाई नहीं कर सके किन्हीं कारणों से, और फिर वो दोबारा उनको अवसर देने का प्रयास जो बोर्ड ने किया है, तो ये बात बहुत ही प्रसन्नता दे रही है कि विद्यार्थियों का रुझान SOS में भी साइंस में एजुकेशन लेने के लिए है और उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती जाएगी।